हेलो गाइस, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल राजी में। सो दोस्तों, जैसा कि ये हमारा एमटीबी साइकिल आप देख रहे हैं, तो एमटीबी साइकिल का जो ये गियर वाली साइकिल है, इसका जो शिफ्टर है, शिफ्टर का जो ऊपर वाला ढक्कन होता है, सो वाला आइटम जो होता है, वो आपका निकल गया है। तो इसको हम रिपेयर करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रियर शिफ्टर में लगा हुआ है, लेकिन आपका फ्रंट शिफ्टर में लगा हुआ नहीं है। तो इसका जो टूटा वाला हिस्सा है, हालांकि ये टूटा हुआ नहीं है, ये आपका एकदम कंप्लीट है, लेकिन इसका जो हॉल में जो स्क्रू टाइट हुआ रहता है, पर जो स्क्रू दो लगा हुआ है, तो स्क्रू ऑटोमेटिकली आपका बाहर आ गया है। तो इसको हम परमानेंटली फिक्स करेंगे, ताकि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना हो। और किस तरह से करेंगे आप लोग को दिखाएंगे और बताएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि साइकिल चलाते हैं और साइकिल कहीं पर खड़ा करके रखते हैं, कोई बच्चा वगैरह आया छेड़छाड़ के, उसकी वजह से ये ऑटोमेटिकली कभी कभी बाई चांस ही निकल जाता है, नहीं तो नहीं निकलता। अगर आपका साइकिल में इस तरह का प्रॉब्लम होता है, तो कैसे आप इस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं और आप लोग को नया शिफ्टर भी लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसे रिपेयर करके आप लोग को दिखाते हैं। तो उससे पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे, जैसा कि ये साइकिल देख रहे हैं, तो इसका गियर हम आप लोग को दिखाते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इजीली आपका जो है, ये देखिए, वर्क कर रहा है। शिफ्टर में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। तो अब चलिए हम आप लोग को शिफ्टर को रिपेयर करके दिखाते हैं, और ये जो इसका शो का आइटम, इसे फिक्स करके दिखाते हैं। उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि जिस तरह से वीडियो आपका काम आए, उस तरह व्यक्ति का भी आएगा। तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले, और वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आप बीच में वीडियो को छोड़ देते हैं, तो फिर आप सही से समझ नहीं पाएंगे। ढक्कन है, इसे फिक्स करने से पहले बताना चाहेंगे, ये ऐसा शिफ्टर अगर आपका साइकिल में लगा हुआ है, तो इसे आपको अच्छे से ऑयलिंग कर देना है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, कुप्पी में हमारे पास ऑयल है, तो इसका जो सामने का मुंह टूट गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी कारण से टूट सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको ऑयलिंग कर देना शिफ्टर में, इससे क्या होगा, शिफ्टर आपका स्मूथ और फाइन रहेगा, और इन फ्यूचर कभी भी रस्ट वगैरह नहीं लगेगा, शिफ्टर आपका खराब नहीं होगा। तो ऑयलिंग अगर आप करते हैं, अगर आपका ये ढक्कन नहीं भी टूटा, अगर फिक्स है, तो आपको क्या करना, दोनों स्क्रू को खोल के शिफ्टर में अच्छे से ऑयलिंग कर देना, इससे आपका शिफ्टर लॉन्ग लास्ट तक चलेगा, जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगा शिफ्टर में। दोनों ही स्क्रू को पहले खोलते हैं, तो हमारा देखिए मिनी स्क्रू ड्राइवर किट है हमारे पास, ये देखिए। तो हैंडल निकालते हैं, इसका नोजल निकालते हैं, और ये बीट निकालते हैं। तो कितना नंबर का बीट लगेगा इसमें, आपको ये वाला नंबर का बीट लगेगा, ठीक है, नहीं नहीं, हाँ हाँ यही लगेगा, ठीक है। अब चलिए ये दोनों स्क्रू को खोलते हैं, तो पहले बीट को फिट करते हैं। अगर आप लोग ये मिनी स्क्रू ड्राइवर किट मंगाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जो कि आप हर तरह से छोटा मोटा यूज़ में ले सकते हैं। ये जो नोजल है आपका इस तरह से फिट होगा, ठीक है, और ये बीट आपका इस तरह से फिट होगा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये स्क्रू को इस तरह से खोलना है, ये देखिए आसानी से खुल जाएगा, ज़्यादा ये आपका टाइट किया हुआ नहीं रहता है। अगर आप जब भी फिट करते हैं, तो ज़्यादा टाइट नहीं देना। ये देखिए दोनों ही स्क्रू हमारा खुल गया है। जैसा कि ये केप आप देख रहे हैं, तो केप को इस तरह से आपको अच्छे से पहले फिट कर लेना है, ठीक है। फिट करने के बाद जब हम डायरेक्टली ये स्क्रू को टाइट कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से बाहर आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली नहीं टाइट करेंगे, इसमें हम कुछ लगाने वाले हैं जुगाड़। जैसा कि देख रहे हैं, इसमें हम दो वाशर लिए हैं, तो ये वाशर आपको दो ले लेना, जो कि आपको साइकिल शॉप में मिल जाएगा। साइकिल जब स्पोक बिनाई होता है, जब न्यू स्पोक लगता है, तो उसमें आपके ये वाशर को लगाया जाता है नेप्पल में, ठीक है। ये नेप्पल का वाशर हो गया, तो आपको साइकिल शॉप में बोलना कि नेप्पल वाशर हमें दे दीजिए, ठीक है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका प्राइसलेस ऐसे कुछ भी नहीं लगेगा, आपका एक रुपया भी हो सकता है, दो रुपया भी हो सकता है, ऐसे कुछ लगेगा नहीं, आपका इसी तरह आ जाता है। तो इस तरह से आपको फिट करना है, ठीक है। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से आपको लगाना है और इस तरह से आपको टाइट करना है। सो दोस्तों, ये तो कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये स्क्रू छोटा पड़ जा रहा है इसमें। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो ये वाशर को हम एकदम स्मॉल साइज करेंगे स्क्रू का अनुसार, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीजर से इसे कट करेंगे इस तरह से, ठीक है। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें, तो जैसा कि देख रहे हैं, दोनों ही वाशर को जो हम एकदम माइनर सा छोटा कर लिए, ठीक है, स्मॉल साइज, जो कि स्क्रू में आसानी से फिट हो जाए और शिफ्टर में अच्छे से फिक्स हो जाए, ठीक है। ये देखिए, ये आपका अच्छे से फिक्स्ड हो गया, ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब चलिए हम जो है शिफ्टर में फिट करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। स्क्रू में देखिए वाशर लगा हुआ है, ठीक है। अब चलिए हम शिफ्टर में फिट करते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए शिफ्टर में हम फिट कर रहे हैं। वीडियो को एकदम ध्यानपूर्वक देखें, अच्छे से समझ जाएंगे। ये देखिए शिफ्टर में जो है फिट कर दिए, आप एक साइड और फिट करते हैं, ये देखिए दोनों साइड में, तो वाशर इसमें, जैसा कि देख रहे हैं, वाशर इसमें लगा हुआ है आपका, ठीक है। एकदम बहुत ही सावधानी से आपको करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा एक साइड हो गया। आप चलिए ये साइड को बढ़िया से मिलाते हैं, ये देखिए मिला दिए, और ये देखिए हम फिट कर दे रहे हैं।
सो दोस्तों ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। ये देखिए शिफ्टर हमारा एकदम अच्छे से फिक्स हो गया, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं शिफ्टर एकदम अच्छे से फिक्स हो गया, शिफ्टर का जो ढक्कन था तो इस तरह से कंप्लीट कर लेना जिस तरह से दिखाएं बताएं।